जल्दी से ना के रेडी हो जाता हूँ, फिर मम्मा मुझे सारे मेरे सरप्राइजेस देगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। खुशी चलो सामान उठाओ अपना, देखना नहीं है क्या क्या है। इतनी सारी चीजें हैं, मैं तो सब कुछ देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। हेयर अप वगैरह करा है इसने? नहीं, मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ दिखाने के लिए, बट ये टॉप क्यूट सा मुझे लगा, तो ये थोड़ा ऐसा बागी टाइप आउटफिट हो गया। आंटी से कशिश मिली है अभी आके, पूछ रही थी मुझसे सुबह, अभी तू थी नहीं ना सुबह, तू काम से चली गई थी। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं बस अभी नहा धो के आई थी और मैंने आज अपना पूरा लाइक क्लीन अप वगैरह कराया था और सब मैं रेडी हो गई बिल्कुल, तो मैं बहुत खुश हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी थोड़ी डी टैनिंग हो गई है और मतलब मुझे बेटर लग रहा है ऐसे लुक वाइज थोड़ा। हाँ। और मैंने बाल बाल भी अच्छे से धो लिए आज, तो तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा वो हो गए कशिश, सभी लोग पूछ रहे थे। हाँ, पर काफी ज्यादा लाइट से हुआ है बिकॉज पानी मुझे वहाँ का इतना सूट नहीं कर रहा, तो बहुत टाइम से नहीं कर रहा है। बट वहाँ पे सभी बच्चों के बाल झड़ रहे हैं। हाँ, वो तो होता ही है, सबसे ज्यादा कॉमन ही है, बट मे बी हमें वहाँ पे सूट नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों को सूट करता है। सबका अलग अलग अपना होता है एरिया जहाँ पे लोगों को, वो तो मैंने कल इसकी रात में 3 बजे मालिश करी है बालों की। हाँ। हम लोग 3 बजे तक बातें कर रहे थे, बातें करते करते मुझे लगा इसके चंपी कर देती हूँ, बालों की मालिश करी और मल्टी विटामिन टेबलेट बोली है। कशिश सेम मैंने तेरे लिए ऑर्डर कर दिया ये वाली, इन्हें तू 1 महीना लगातार खाना, फिर उसके बाद अगर तू रेगुलर रही तो मैं यहाँ से तेरे लिए और ऑर्डर कर दूंगी, बहुत अच्छी है बालों के लिए। और भी कैप्सूल? हाँ, एक डेली का खाना है। मैं इतनी बड़ी कैप्सूल कैसे खाऊंगी? कैसे खाते हैं मतलब? अभी तक नहीं खाई जाती है गाइस। थप्पड़ लगेगा? नहीं, मुझसे नहीं, सच में नहीं खाई। यहीं से प्रैक्टिस कर, फिर आज शाम से तू यहीं से खाएगी। मैं इतनी बड़ी जिंदगी में नहीं खाई कैप्सूल। अरे पैरासीटामोल भी मैं तोड़ के खाती हूँ। मैं कशिश बायोटेक में, तो बायोटेक का मतलब कोई फार्मेसी में होगा तो दिन भर दवाइयां खाते रहेगा? क्या खा खा के एक्सपेरिमेंट करना? अरे तो हम थोड़ी खा के एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद पे। एक मैं पता है एकदम से नहा धो के इसलिए रेडी हुई, मम्मी आ रही है, त्याग हो जा तू जल्दी से, शाम को मैं तुझे दूंगी सरप्राइज तेरा, अगर तू ऐसी गंदी बैठी रहेगी बिना नहाए तो मैं नहीं दूंगी। तो अच्छा ठीक है ठीक है, मैं जल्दी से ना के रेडी हो जाता हूँ, फिर मम्मा मुझे सारे मेरे सरप्राइजेस देगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने एक दो चीज तो मैंने खुद भी ऑर्डर की थी और फिर 2-3 चीज मम्मी कह रही है कुछ सरप्राइज भी है। पहले तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रखी है, ज्यादा ही इकट्ठी हो गई है 4 महीने में मतलब। हाँ, तो मैं एक्साइटेड हूँ। जब भी कहीं जाती हूँ तो तेल थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं से जरूर लाती हूँ, तो वो इकट्ठा होता रहता है। मैं भी लाई हूँ इस बार कुछ। हाँ, तू गई थी ना वहाँ पे केरला ट्रिप पे? गई थी तो मैं वहाँ से कुछ लाई, थोड़ा सा छोटा सा कुछ। और सब लोग तो मैं बहुत प्यार करते, बहुत मिस करते, तुम भी मिस करती हो सबको? हाँ, तो मैं सब लोग, आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और आप लोगों को भी बहुत मिस करती हूँ, सो थैंक यू। सुबह में तुमने इतनी चीजें ठंडी ठंडी पी ली, मैंने कुछ ज्यादा नहीं आया, खा लिया है आज। बुआ के घर पे भी मैंने खाया था। एक ही दिन में तूने बहुत सारे काम कर लिए? हाँ, वैसे आज मैंने खूब सारे काम करवा लिए अपने पार्लर वाली दीदी को बुला के, वैक्सिंग भी करा ली। हाँ। अपना क्लीन अप करा लिया, बाकी थोड़े बहुत और काम थे वो भी करा लिए। इसको पी के देखना बहुत मजा आ जाएगा, डैडी की तो फेवरेट है। आप पीने नहीं बनाई अपने लिए? हम सब ने पी ली ना, तेरी तो बची हुई है। प्रशांत तुम्हारे लिए ला दूं? ठंडी ठंडी लग रही है ना, गर्मियों में ऐसी ठंडी चीजें ही पसंद है मुझे। कल से ये मैंने अलमारी कशिश को छूने भी नहीं दी है, मैंने कहा जो अटैची में तेरे कपड़े आए हैं ना वहाँ से वही पहन दू, इसे मत खोलना। यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें मैंने उसके लिए लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर भी करी थी और कुछ चीजें मैं लेकर भी आई थी उसके लिए, तो देखना ये उसको कैसी लगती है। मौका दीदी के लिए सामान आई और इसमें लग्जरी हैंडबैग भी है। चलो सामान उठाओ अपना, देखना नहीं है क्या क्या है, चलो आओ। वाह मम्मी, इतना सारा सामान! चलो 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 चलो, इतनी सारी चीजें हैं, मैं तो सब कुछ देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये क्या है? वाह कितनी प्यारी ड्रेस है, अच्छी ड्रेस है, मुझे ऐसी ही ड्रेस चाहिए थी पता है। ये देख कितनी प्यारी। हाँ, ये पता है आजकल ट्रेंड में है ऐसी ही ड्रेस, ये यहाँ से ऐसे लगेगा और फिर वैसे टाइट भी हो जाता है। तू सब कपड़े पहन के दिखा देना, ठीक है? अच्छी लगी? हाँ बड़ी प्यारी है, बहुत क्यूट ड्रेस है समर के हिसाब से। मुझे समर में घर पे पहनने के लिए ऐसी ड्रेस चाहिए थी कोई। अच्छा चल ठीक है, मेरी चॉइस अच्छी है ना? अच्छी है मम्मी, बहुत प्यारी। एक तेरे लिए व्हाइट टॉप ले आई हूँ मैं, उसमें मुझे देखनी थी ड्रेस कैसी है, तो उसमें पहन लेना अपने कॉलेज वॉलेज में तुझे। बड़ा क्यूट टॉप है मम्मी, ऐसे टॉप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कॉलेज में पहनने,
इसमें कॉलर भी होता है ना, तो अच्छे लगते हैं। मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ ये पैंटालून से, ये अच्छी चॉइस है आपकी, जेन्युइन। और ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ नाइट सूट पैंटालून। एक और पैंट लिया है हमने, शॉर्ट पैंट्स। मुझे तेरे को नाइट सूट देना बहुत अच्छा लगता है। ओ वाह, मुझे हमेशा लगता है तेरे पास नाइट सूट की कमी तो नहीं है, इसीलिए मैं तो दो तीन ला रही हूँ। वाह, अच्छा कि आप लिया है मेरे शॉर्ट पैंट बस एक साथ, ये पेयर के रहा। वाह क्यूट, नाइट के साथ डाल, बहुत प्यारे लग रहा है। अच्छा लगा, काफी प्यारा है। सब पहन के दिखाना, ठीक है? हाँ ठीक है। बट ये वाले पर्पल अच्छे कलर लग रहा है, मैं मुझे और स्वेट पैंट्स की जरूरत रहती है यूजुअली। ये तुझे हमेशा नीचे जाने के लिए, हाँ। कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, एयरपोर्ट वगैरह भी पहन के जा सकते हो आराम से। यहाँ पे माल रखा हुआ है, माल तो ये सारा मेरा है, मैंने तेरे लिए देख लिया मंगाया। वाओ, बताओ क्या मंगाया? ये मैंने मिंत्रा से मंगाया तेरे लिए, अपनी चॉइस से, मुझे बहुत पसंद आएगा ये। ये इस टाइप का है, कंफ्यूजिंग साथ में। ये ऐसे करके पहले ऐसे वो होगा टाई अप, इसकी स्लीव्स रहेंगी शोल्डर ऑफ और पीछे टाई अप है, टॉप है। इसका तुझे फोटो दिखा दूंगी, तुझे फोटो से पता चल जाएगा। ओ माय गॉड, ये ऐसे बैक आएगा जब तू पहन के दिखा। समझ आया मुझे, मैं बस एक और टॉपिक ऐसे ही, बट ये वाला डिजाइन बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा लगा। जेन्युइनली अच्छा, अभी डेट्स हैं के वापसी की, नहीं अच्छा लगा मुझे, मैं ट्राई करके देखूंगी। ये सारी चीजें इतनी नई नई है, इतनी सारी क्यों ऑर्डर किया आपने? मैंने बैठी हुई थी, मैंने तो कशिश के लिए कुछ सामान ऑर्डर करती हूँ, पहन भी नहीं पाती थे कपड़े तो। और एक मैंने तेरे लिए ब्लैक टॉप ऑर्डर किया था, क्योंकि ब्लैक टॉप बहुत चीजों पे तेरे काम आता है। ओ हाँ, क्यूट है। ये भी मैंने क्रॉप टॉप ऑर्डर किया है, बहुत क्यूट है टॉप। ये किसी स्कर्ट के साथ पेयर करेगी तो और भी सुंदर लगेगा, जीन्स के साथ अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है टॉप। स्कर्ट या शॉर्ट्स के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट, मम्मी इतने कपड़े आपने कर दिए, मैं तो ऐसा लग रहा है क्रिसमस आ गया। ये हैंडबैग मौसी लेकर आई थी तेरे लिए कनाडा से, कोच का है, क्यूट सा है कोच का ये बैग। और पता है इसमें बैग में लाग आ सकती है इसको ऐसे। अच्छा, और ये ट्रिप पे जा रहे हो तो बस थोड़ा सा ऐसे, हाँ ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा टाई, जितना भी तुम रखना चाहे उतना रख सकती है, वो तो नीचे से वो हो जाएगा। अभी ये थोड़ा लूज है, अभी लूज इसलिए क्योंकि यहाँ से टाई नहीं कर रखा तो। अच्छा, और वैसे अगर हाथ में पकड़ना चाहे तो उसके लिए, हाथ के लिए नहीं है मुझे, नहीं आई थिंक निकल सकता है उसको, ऐसे ही पसंद है। एक तेरे लिए लाई थी, एक मेरे लिए, दोनों कोच के लिए लेकर आई थी। मैं तो अपना यूज कर लिया था ग्लैम्पिंग वाले ट्रिप में, तेरा रखा हुआ है अभी तक। आई कैन ऑलरेडी सी एन आउटफिट इसके साथ, अच्छा जैसे ब्लैक के साथ पहन सकते, इसके साथ अच्छा। और ये हाँ, एक और पर्स मंगवाया था, पर्स मैं तेरे लिए वहाँ से लेके आई थी मुरादाबाद से। हाँ, ये वाला मामा ने मुझे दिखाया था, फिर से तो लिया था। माय गॉड, कितना क्यूट पर्स है ये बहुत सुंदर पर्स है, मुझे एक मुझे भी बहुत पसंद आया था ये वाला। जब मैंने पर्स देखा था, मैंने मामा से बोला था, मामा ये ऐसे करके खुलता है, ये ऐसे, ये बहुत अच्छा पर्स है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ड्यूरेबल लग रहा है। और इसमें ना दो तीन तरीके से यूज कर सकती है, छोटी वाली वो भी इसमें, और एक बड़ी वाली जो तू ऐसे करके शोल्डर पहन सकती। बहुत क्यूट है ये पर्स, बहुत सुंदर पर्स है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। ड्रेसेस पे भी अच्छा लगेगा, और जैसे आपको डेली वेयर में, जिसमें टांग के रखती हूँ, याद है आपको व्हाइट वाला, सबने ही देख लिया होगा, मेरे पास एक ही वो ही पर्स है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ये क्रॉस बॉडी भी पहन सकती हूँ तो शायद, हाँ, शोल्डर वाला पहन, बट अब मैं इसको डेफिनेटली ज्यादा यूज करूंगी देन द व्हाइट वन। ये वाला वो वाला है कुछ वाला, इसमें भी अंदर कुछ रखा हुआ है, एयर टैग्स रखे हैं। अच्छा, एयर टैग्स डैडी ने रख रखे हैं अपने, वो भी कनाडा से ही मंगाए थे। अच्छा, ऐड करने के लिए है ये भी, और मेरे पास दो दो पर्स हो गए। H&M से भी मैंने एक दो चीज ऑर्डर करवाई थी, क्योंकि आप लोग बहुत कह रहे थे। ये टॉप, एक तो ये तो मैंने एक्चुअली, ये रुमाल नहीं है, ये टॉप है, बट ये टॉप जो है वो एक स्पेसिफिक उसके साथ ही है। क्या होता है, पहन के दिखाएगी तब पता चलेगा। मैंने आउटफिट सॉर्ट ऑफ डिसाइड किया था, ये लिनन की पैंट्स एक्चुअली आजकल बहुत चल रही है, प्लस मुझे भी चाहिए, ये भी लिनन का लग रहा है। तो हाँ, ये भी लिनन का ही है, ये दोनों जो है सेट मैंने सॉर्ट ऑफ बनाया था, अभी देखते हैं कितना मैच करता है, वरना इसके साथ ब्लैक पहन लेना, इसके साथ ये वाला ब्लैक भी चल जाएगा, और बहुत सारी चीजें और भी है जो चल सकती है, बट ये लिनन पैंट्स बहुत अच्छी लगी। ये बाहर पहनने समर डेज काफी ब्रीजी रहती है। ट्रेंडिंग टॉप, हाँ ये ट्रेंडिंग टॉप है एक्चुअली, आपने देखा होगा स्किम्स जो किम कार्डाशियन की ब्रांड है, उसके भी ऐसे ही टॉप आते हैं जो बहुत फेमस हुए हैं, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव वर्जन सॉर्ट ऑफ H&M ने निकाला है, और ये वो टॉप है। तो इसकी जब आप इसको पहनते हैं, इसकी पिटिंग आया मुझे लगा किस बच्चे का टॉप आ गया, बच्चे का टॉप नहीं, स्ट्रेच जाता है, और ये बहुत क्यूट सा रहता है।
तो बाकी मैं तेरे लिए लेकर आई थी ये सब चीजें, तू लगाना क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड क्यूट सा वो क्रोकेट ट्रेंड। ओ बहुत क्यूट क्यूट बोल रही वाला तो बहुत ही प्यारा है। ओ ये वाला भी बहुत अच्छा है, पता है कोई आउटफिट बना सकता है, कितने प्यारे हैं ये सारे क्लचेस वगैरह। वाह मुझे बहुत अच्छा मजा आ गया, इतनी सारी चीजें मैं क्या करूं। हेयर बैंड तो ऐसे ही लगाना होगा, मैं चश्मा भी लगा रखे है क्यों चश्मा, मुझे इन्फेक्शन हो गया था आई इन्फेक्शन थोड़े दिन पहले, और ये तेरे बूट्स आ गए हैं। बूट्स नहीं सॉरी क्या कहलाते हैं, लोफर्स। लोफर्स यस, लोफर्स मंगाए थे मैंने क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, मैं एक अपने फ्रेंड के लिए ऑर्डर करवा रही थी, उसे चूज करवा थी, तो मुझे लगा बड़े क्यूट से मैं भी ले लेती हूँ, बिकॉज ये ड्रेसेस पे जीन्स पे मुझे तो लगा डैडी ने चूज करे हैं, क्योंकि डैडी बोले थे डैडी ने भी पता है एक्चुअली क्या हुआ, मैं डैडी को बोलने वाली थी डैडी ऑर्डर कर दो, फिर डैडी ने मुझे सेम यही भेज दिए खुद से, तो मैंने कहा अरे आप मुझे देखो लोफर्स ऑर्डर करने के लिए बोल, मैं भी यही सोच रही थी मैं भी लोफर्स ऑर्डर करूंगी, ये अच्छे पहन के देख बड़े अच्छे से लग रहा है। कोई भी चीज अगर तुझे छोटी बड़ी हो तो अभी देख लो चेक करके, फिर देख सकते कि रिटर्न हो जाए तो अगर साइज का ना हो, दिखाओ पास से लोफर्स बड़े सुंदर है। हाँ। आजकल बहुत ट्रेंड में है ये लोफर्स ना, थोड़े कोरियन स्टाइल है ऐसे लोफर्स आए हैं, और लोग बहुत ज्यादा इसको सॉक्स वगैरह के साथ स्टाइल करते हैं, और ड्रेसेस वगैरह के साथ ना, सबके साथ जींस के साथ अच्छे लगते हैं। हाँ जी तो सभी अच्छे लगते हैं। ये तो मम्मी ने खूब सारी चीजें दी, बट मैं जब गया था केरला तो मैं तो थोड़ी सी चीजें लाया, मतलब जो मुझे लगा कि अच्छी होगी। एक तो सबसे पहले मैं लाई मुन्नार से एक मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट, क्योंकि आप लोगों को तो पता है हम लोग फ्रिज मैग्नेट कलेक्ट करते हैं, तो ये अभी, तो ये अभी लग जाएगा, और ये मैं घर के लिए लाई सबके। हम लोग केरला कभी नहीं गए तो कश्मीर गई तो मैं अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं डैडी के लिए, चलो बोल देते हैं डैडी के लिए, मम्मी के लिए, दोनों के लिए चाय, मैं चाय लाई। और आपको पता होगा लाइक मुन्नार के जो वो है टी एस्टेट्स एंड टी गार्डन्स काफी ज्यादा फेमस है फॉर देयर टी, तो ये वहीं की एक हम जहाँ गए थे टी गार्डन वहीं का टी है होल लीफ टी, और पता नहीं कैसी टेस्ट में होगी, आई एम नॉट अ वेरी बिग टी पर्सन सो आई डोंट नो, बट मुझे अच्छी लगी तो मुझे लगा ऑथेंटिक है लेके आना चाहिए। बिल्कुल, तो एक ये लाई हूँ मैं, और एक लास्ट चीज जब मैं स्पाइस गार्डन गई थी तो वहाँ पे उन लोगों ने खुद से अपने स्पाइसेस जो उनका पास था फार्म वहीं से खुद वो बना रहे थे, क्या होता है इत्र, इत्र बना रहे थे, तो ये वाइट ऊद होती है उसका इत्र मिलाई, और वो मुझे तब से बोल रही है डैडी डैडी मम्मा मैं आपके लिए इत्र लेकर आई हूं, स्मेल उसकी खुशबू इतनी अच्छी है आपको बहुत, और ये ऑयल बेस्ड होता है तो मतलब काफी अच्छा लगा। एक्चुअली हम जब ट्रिप पे गए थे तो हम 25 लोग बैठे सैम्पलिंग के लिए, उन्होंने सबको सैंपल कराया, उसके बाद जो एक हमारा फ्रेंड जिसको ज्यादा परफ्यूम की नॉलेज है वो कह रहे थे ये वाला सबसे अच्छा है ये सब खरीद लेते हैं, हमने उसी टाइम 25 बॉटलें खरीदी। ओहो 25 से 30 तो जरा सा लगाओ तो भी कशिश। हाँ, सुबह तक लगाती है इसकी खुशबू बहुत, मैं तो लगाया है, मैं एक अपने लिए भी लाई थी, अच्छा थोड़ा सा लगाओ और ये बहुत ही अच्छी खुशबू है, इसलिए ये खास बात होती है वैसे। मैंने कभी यूज भी नहीं किया था तो आई वाज लाइक ये अच्छी नई चीज है जो मम्मी को पसंद आएगी, और पता है इतर यहाँ भी लगाते हैं थोड़ा कान के पीछे, कान के पीछे वगैरह लगा सकते हैं, अब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगा कान के पीछे थोड़ा सा यहाँ पे ना, ये सारे ना वैसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप लगाओगे तो ज्यादा देर तक उसकी खुशबू रहती है, इसीलिए लोग लगाते हैं। हाँ तो आप उसको टाइट करके अच्छे से बंद रख के अपने पास रखो, और जब आपको यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हो। अब तुम पहन के दिखाओ ये सब कपड़े, पता तो चले कि कैसे लग रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत लुक देने के लिए ये पहन रही है, तो सब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पेयर अप वगैरह करा है इसमें। नहीं मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ अभी दिखाने के लिए, बट ये टॉप क्यूट सा मुझे लगा, वेकेशन टाइप है डेफिनेटली। हाँ, किसी बीच वेकेशन पे जा रहे तभी पहना जा सकता है, डेली में तो ऑब्वियसली नहीं पहन सकते, बट क्यूट सा मुझे क्यूट लगा। यस मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं पसंद आया तो वापस भी हो जाएगा। इसकी स्लीव्स बड़ी अच्छी सी है। हाँ मुझे स्लीव्स ही तो पसंद आई थी इसकी, थोड़ी सी ड्रॉप होके देन आ रही है ना ऑफ शोल्डर टाइप। आंटी से कशिश मिली है अभी आके, पूछ रही थी मुझसे सुबह भी, तू थी नहीं ना सुबह, तू काम से चली गई थी कि कशिश कहाँ है मुझे मिलना है। मेरी बच्ची बहुत अच्छे से रह करिए, खूब खाना खाई हो है ना आपको, ये दुबली हुई है। मैं सबको दिखा रही थी अपनी ये ड्रेस, तो बड़ा क्यूट लग रहा है, बहुत क्यूट ड्रेस लग रही है एक्चुअली, ऐसी ड्रेस मुझे पहननी थी, मफू को खेलना है, उसको तेरी ड्रेस पसंद आ गई लगता है, मफू को लगता है पसंद आ गई ड्रेस। मफी ने अपने टॉय का क्या हालत, थोड़ी इसकी गर्दन जो है तोड़ दी है,
और इसकी थोड़ी पैंट नीचे उतर दी है तो हम उसको पकड़ रहे हैं। अभी तुमने हमारी इज्जत क्या करा है, ये इज्जत का फालूदा बनाया। ड्रेस तो मुझे बहुत ही क्यूट लगी, समर के लिए परफेक्ट लग रही है। ये वो भी लगाया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस। तो ये थोड़ा ऐसा बादी टाइप आउटफिट हो गया, वेकेशन टाइप। जो बैग है बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस आउटफिट को, क्योंकि ये बहुत प्लेन सा आउटफिट है, लेकिन ये क्यूट सा बैग लग रहा है इसके साथ। ये बहुत कंफर्टेबल आउटफिट है, मतलब जैसे गर्मी मतलब ऐसे ही आप घूमने जा रहे हो, थोड़ा वॉक पे निकल रहे ऐसे। ये ये सबसे बेस्ट लग रहा है। कितना शूज दिखाना आपने, थोड़े से ऊपर करके। पजामा तेरा थोड़ा सा मैं छोटा करा दूंगी, और ये लोफर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये पर्स तो बहुत ही क्यूट है, आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। एंड ये पूरा आउटफिट देखा जाए तो